प्रणाम। हाय कुशामदी, मैं तो आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। क्या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है थप्पड़। जी दोस्तों, नाम कुछ अलग सा है, बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में लीड रोल कर रही है तापसी पानू और उनके जो एक फैमिली मेंबर्स की तरह इस तरह है पिक्चर एकदम। इसे एक फैमिली मूवी कह सकते हैं। और इस पिक्चर में जो उनके जो हीरो के रोल कर रहे हैं, जो पति के रोल कर रहे हैं, वो है पवेल गुलाटी। और बाकी काफी अच्छा है। और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे दिया मिर्जा, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की। काफी दिनों के बाद उन्होंने पिक्चर में दिखा दी है और काफी अच्छी एक्टिंग की है। और कुमुद मिश्रा इस पिक्चर में तापसी पन्नू के एक बाप के रोल कर रहे हैं, एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काफी अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है। और काफी अच्छा एक्टिंग है काफी लोगों का, बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का। इस पिक्चर का स्टोरी इस तरह है, डायरेक्टर ने इस तरह इस पिक्चर को फिल्माया गया है। इस तरह कहना चाहते हैं कि डायरेक्टर, दरअसल जब किसी एक औरत का ईगो हर्ट होता है, जब उनका इंसल्ट होता है, तो उन्हें कैसे महसूस होता है और क्या कितने हद तक वो लोग टूट जाते हैं, इसी तरह होता है इस पिक्चर में। तापसी पन्नू एकदम प्यार भरा जिंदगी होता है, अपने पति के साथ बड़े प्यार से रहते हैं, घुलमुल के रहते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के अपने पति को तैयार करके भेजना, फिर साथ में अपना काम भी करना, इन सब का ध्यान रखते हैं। और एक बार घर में पार्टी होता है, पार्टी में अचानक उनके पति बड़े गुस्से से उन्हें मार देते हैं। बस वहां से सिलसिला शुरू हो जाता है और उन्हें काफी बुरा लगता है और उन्हें इस हद तक चले जाते हैं कि वो पति को अपना डाइवर्स करना चाहते हैं। एक लॉयर से जाके मिलती है और लॉयर जो वुमेन्स राइट्स के लिए बात करते हैं, वो उनसे जाके मिलती है। और सिर्फ इतना ही उसने डाइवर्स की बात करते हैं, पर उनके घर में उनके माँ बाप जो तापसी पन्नू के माँ बाप समझाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दो, होता है पति पत्नी के बीच होता है, पर वो अपने ईगो उनका हर्ट होता है, उनके बहुत बुरा लगता है। इस पे बेस है पूरी कहानी और पूरी पिक्चर। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, देखने लायक है, परिवार के साथ देखने लायक है, कुछ सीखने लायक है, कुछ जाने लायक है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, मुझे तो पिक्चर काफी अच्छा लगा। अगर आपको ये पिक्चर अच्छा लगा तो जरूर जाके थिएटर में जाके देखेगा। और बाकी काफी अच्छा है इस पिक्चर, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिक्चर का डायरेक्टर जो है काफी अच्छा डायरेक्ट किया और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, काफी अच्छा स्क्रीन प्ले है, काफी अच्छा डायलॉग है, बाकी काफी अच्छा है पिक्चर का, मुझे अच्छा लगा, परिवार के साथ देखने लायक है। इस वीकेंड्स के लिए अगर आप कुछ देखना चाहते हैं पिक्चर, तो पिक्चर आप जरूर देखिएगा परिवार के साथ। सब इतना ही नहीं, और मेरे चैनल सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और जरूर पिक्चर देखिए, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।